वरिष्ठ जन जन के नेता, इस देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्रद्धेय अडवाणी साहब, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री आदरणीय रामलाल जी भाई साहब, हमारे पार्टी के महासचिव जिन्होंने अभी इतना जोश भर दिया आप सबके अंदर, ऐसे हमारे आदरणीय विजय गोयल साहब, आदरणीय श्याम जाजू जी, आदरणीय मुरलीधर जी और मंच पर बैठे हुए व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय श्याम बिहारी जी मिश्रा साहब, सभी पदाधिकारीगण और सभी यहाँ पर देश के कोने कोने से आए हुए मेरे सारे व्यापारी बंधुओं, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी अपने जगह से, अपने प्रदेशों से दिल्ली में संसद मार्ग में इस देश की ऐसी जगह पर जो सर्वोच्च लोकतंत्र की संस्था है उसके बाहर आज धरने पर बैठे हैं, और एक ऐसे कारण से जहां पर मैं सोचती हूँ कि जब व्यापारी कभी अपनी दुकान नहीं छोड़ता, कभी अपना व्यापार नहीं छोड़ता, आज वर्किंग डे है और आज अपना व्यवसाय छोड़कर आप दिल्ली पे आने पे मजबूर हुए हैं, क्योंकि ऐसी सरकार चल रही है जिस सरकार ने व्यापारियों के ऊपर इस तरीके का एक ऐसा काला बादल छाया रखा है जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। आज जो सारे कानून पास हो रहे उन सब में व्यापारियों के ऊपर जो बहुत बड़ा गहरा संकट होने वाला है, उस संकट को देखते हुए आज यहाँ पर आप सब एकत्रित हुए। मैं आज आप सब आए हुए व्यापारी बंधुओं को बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहती, कुछ कहना नहीं चाहती ज्यादा, क्योंकि मुझसे पूर्व बहुतों ने कहा है, हम सब अडवाणी साहब को सुनना चाहते हैं, लेकिन जो संकट आप सबके ऊपर लहरा रहा है उसका आज आप सब ने अनुमान कर कर यहाँ पर आए हैं, और देश के कोने कोने से आप सब यहाँ आए हैं। जिस जीएसटी को लागू करने की बात हम यहाँ कर रहे थे, याद करिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन जहाँ जहाँ पर रहे, चुप्पी को समाप्त करने का अगर किसी ने कदम उठाया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उठाया, लेकिन आज कांग्रेस के शासन में जीएसटी को लागू करना चाहते हैं, तरह तरह के नए नए नियम और कानून बनाना चाहते हैं, खाद्य सुरक्षा के नाम पर नया कानून बनाकर और एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि ये व्यापारी जो है ये आराम से जी न सके, फिर से गुंडा राज लाना चाहते हैं, यस इंस्पेक्टर राज लाना चाहते हैं, और ऐसी जो सरकार है इस सरकार को बदलने का काम आज से शुरू करना है, और ये व्यापारी अच्छी तरीके से शुरू कर सकता है। जिस गांव से एक दुकान चलाने वाला भी व्यापारी यहाँ आया है, वह चाहे एक दुकान हो उस व्यापारी की दुकान पूरे गांव में, लेकिन उसका प्रभाव ऐसा है कि वो जो चाहे वैसा ही वो पूरे गांव में करवा सकता है, और इसलिए व्यापारी जिस करवट बैठेगा वही सरकार होगी। और आज अगर व्यापारी ने ठान लिया है और जैसा मजबूती आप सबकी दिख रही है, और यह जो आपने ठाना है 2014 में एनडीए की सरकार लानी है और फिर से अच्छा शासन लाना है ताकि व्यापारियों की सारी समस्या दूर हो सके, यही बात कहते हुए यही कहना चाहूंगी कि एक नारा देती हूँ, विदेशी कंपनियां आएगी महंगाई दहेज में लाएगी, जरा जोर से कहो विदेशी कंपनियां आएगी तो